कोई समझ ना आप शर्मा दिए ओए मिल गया शब्बू ओ शब्बू ये तो कॉलेज प्लेग्राउंड है क्या शंभूनाथ जी मिस्टर शंभूनाथ आ जाइए दरवाजा खुला है दरवाजा तो खुला है कहीं कुत्ता तो नहीं है नहीं भाई नहीं आओ चले आए 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 शंभूनाथ जी आए यार मजा आ गया हम तो ऐसे ही डर रहे थे नाथ और गौतम और शबू शबू लाजी शबू लाजी अरे यार तुम लोग तो बिल्कुल उल्टे ही दिखाई दे रहे थे क्योंकि तुम उल्टे थे ना अरे दुनिया ऐसी है भैया जो खुद उल्टा है उसे दुनिया उल्टी दिखाई पड़ती है और शंभू हाँ भाई तुमने तो कमाल कर दिया क्या हुआ एक फर्स्ट क्लास नौकरी ढूंढ ली हाँ उए, 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 फर्स्ट क्लास फ्लैट भी है यार हाँ फ्लैट भी मिला और नौकरी भी लेकिन इन सबसे अच्छी एक और चीज मिली वही अच्छी चीज क्या मिली यार सोचो कोई एरोप्लेन लिया है हेलीकॉप्टर लिया है रॉकेट लिया है स्पुटनिक लिया है तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है मुझे एक निहायत ही अच्छी अच्छी बीवी मिली दगाबाज तूने शादी कर ली वो कॉलेज वाली प्रतिज्ञा कहाँ गई कि हम कभी शादी नहीं करेंगे जीवन भर अखंड ब्रह्मचारी रहेंगे भाई ये गलती मेरी नहीं तो फिर तुम्हारी भाभी की क्या मतलब मतलब ये कि मुझे उनसे कुछ प्यार हो गया प्यार हाँ प्यार और तू yes. ये कैसे कॉलेज में तो लड़कियों को देखते ही तेरे पसीने छूट जाया करते थे यहाँ मजनू कैसे बन गए ये हिम्मत कहाँ से आई हिम्मत ये तो मेरी जान तुम्हें तब मालूम पड़ेगा जब तुम्हें भी किसी से प्यार हो जाएगा ओ यू मीन आई विल फॉल इन लव डेफिनेटली खैर ये बताओ कि न तार न चिट्ठी या आप लोगों का एक एक आना कैसे हो गया बस मौज करने आए हॉलीडे इन बॉम्बे खर्चा गिवन बाय अवर फादर माय फादर योर अंकल ओ यस माय सॉरी सॉरी अच्छा भाई शंभू हमारी भाभी से मिला भाभी से मिला यार यार क्या बताऊं वो अपने मायके गई हुई है मायके की खदान है उनकी जी नहीं अरे पगलू इसका मतलब था कि इसके ससुराल गई है आई एम सॉरी लेकिन वो कब गई वो एक महीने के बाद ओ चलो अच्छा यार एक महीने तक बोर्डिंग लॉजिंग डन वेरी गुड अच्छा गौतम बेटे सामान अंदर मैं तुम्हारा खानसामा हूँ बेटा बेटा क्या चलो उठाओ चलो हाँ भाई तुम भी आइए आइए तुम्हारे भाई हम तुम्हारे मेहमान हैं ये थोड़ी है तुम हमारे मेहमान हो आइए आइए पधारिए शुक्रिया जी हमारे यहाँ कहाँ घुसे जा रहे हो भाई क्यों भाई ये क्या बाथरूम है जी नहीं भाभी प्रणाम ओए मिसेस शंभूनाथ जी साष्टांग प्रणाम साष्टांग इसी में खा का जॉर्ट बना लौला ओए महाराष्ट्र लकी बॉय क्या बोल गई भाभी यू शट अप अरे गप्पी तू तो कहता था हमारी भाभी मायके गई है महा मूर्खो ये भाभी नहीं भाभी की नौकरानी है नौकरानी भैया भूख के मारे पहचान नहीं सके गलती होगी अच्छा चाय गरम गरम जल्दी भाई जरा भजिए भी हो जाएगा था भैया आलू बॉयल भी दे देना आलू थे कुछ गोभी के पोटैटो चिप्स भी दे देना दिस इज बॉम्ब मतलब जिसे हम देखने आए नाथ पापे हम सिर्फ देखने नहीं आए बल्कि गुल छर्रे उड़ाने आए हॉलीडे इन बॉम्बे बाबूलाल टेम्पल एस्प्लेनेड मैदान बॉम्बे रिफाइनरी बॉम्बे सेंट्रल मिल एरिया रेस कोर्स कश्मीर सब चीजें यहां तो गेटवे ऑफ इंडिया अरे वो तो फोटो है यहां है हसीन बम्बई अपने को तो जम गई जिस तरफ नजर मुड़ी उस तरफ ही थम गई देख ये मंजर नए 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 हॉलिडे 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 इन बॉम्बे 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 हॉलिडे इन बॉम्बे ¶¶
पर नाचती लहर, ये लहर सी चाल पर दिल गए ठहर। सिर्फ एक चांद पर है फिदा जहां, पर हजार रंग के चांद हैं यहां। दिल जवां मचल गए गए गए, हल दे बॉम्बे, हल दे बॉम्बे, हल दे बॉम्बे, हॉलिडे 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 बॉम्बे, हॉलिडे बॉम्बे। देखिए जिधर नया कुछ कमाल है, हर कमाल में कोई गोलमाल है। दिल फरेब लाख है हम सफर यहाँ, हर नजर है जेब पर ये खबर कहाँ। क्या है जो यहाँ नहीं मिले मिले, हॉलिडे 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 बॉम्बे, हॉलिडे 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 बॉम्बे, हॉलिडे 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 बॉम्बे, हॉलिडे 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 बॉम्बे, हॉलिडे बॉम्बे। हॉलिडे हॉलिडे बॉम्बे, हॉलिडे 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 बॉम्बे, हॉलिडे 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 बॉम्बे, हॉलिडे 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 बॉम्बे, हॉलिडे बॉम्बे। अरे भाभी आज शाम को आ रही है। हमारी भाभी? ये बुरी खबर है, ये तो अच्छी खबर है भैया। अच्छी तो मेरे लिए है, बुरी तुम लोगों के लिए। यार छोड़ो मजाक, हमारे लिए ये बुरी खबर कैसे हो सकती है? क्योंकि तुम्हें मेरी बीवी का स्वभाव मालूम नहीं है, वो तुम्हारा यहाँ रहना एक मिनट भी गवारा नहीं करेगी। नाथ शंभू क्या कह रहा है? सुना थोड़ा बोलो क्या करना चाहिए। करना क्या, भाभी आएंगी, हम उनसे मिलेंगे, उनकी खुशामद करेंगे और यहीं रहेंगे। रहने दे रहने दे, वो बुरी बिल्कुल चंडी का अवतार है, चंडी का। तो क्या हुआ मेरे भाई, चंडी की पूजा करने से वो भी खुश हो जाएगा? ओ यार छोड़ो ये झंझट को, चलो अपने गांव चले, गुड़ बेचेंगे और क्या। नहीं गौतम, हम बंबई से वापस जाने के लिए नहीं आए हैं। अगर कोलंबस अमेरिका ढूंढ सकता है तो क्या हम लोग इतनी बड़ी बंबई में एक छोटा सा कमरा भी नहीं ढूंढ सकते? क्यों नहीं, क्यों नहीं ढूंढ सकते। एक फ्लैट मैंने दोनों खोले, एक मंडली रहते और एक खाली। तो जो खाली है उसमें हमें जगह दे दीजिए। यस, तुम जी मंडली आए? मंडली? हां हां फैमिली। ओ फैमिली जी? नहीं अभी तो नहीं है, लेकिन होने में देर क्या लगती है। मग ऐसा करा देवा होल देवा या। लेकिन सुनी तो सही, उसमें होने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन तू कहां जा रहा है? आना मकान के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए हम बाल बच्चे वाले आदमी हैं, उन्हें जल्द बुलवा लेंगे, आप हमें ये फ्लैट दे दीजिए। दिस फ्लैट वी वांट। हमें फैमिली वालों ने केवी नीचे आती है, हमारी बिल्डिंग में बदौल वांडा बसे छे। वांडा? वांडा व्हाट इज वांडा? कुमारा शादी वगैरह ना। यह ठीक उल्टी बात है महाशय जी, इस कमरे के लिए हम हमारी फैमिली को छोड़ देंगे, डिवोर्स कर देंगे, लेकिन हमें ये कमरा दे दीजिए। ये भी नहीं फंसा बांडा कहीं का। बांडा बड़ी नीचे सरकार मकान हाजिर है नी, बस साहब ने बड़ी स्टेशन पिछाड़ी, बड़ी रुपया 2000 दे दो और बड़ी कब्जा ले लो नी। कब्जा कहा है? कब्जा मकान का? बड़ी क्या बात करता। हाँ पापा जी, हमें धोखा हो गया है। धोखा? हाँ, ये मकान नहीं बेचता है, पापड़ बड़ी बेचता है। अरे बड़ी हम बड़ी नहीं बेचता नहीं, हम तो मकान बेचता ही नहीं बड़ी। आजकल का नौजवान में यही तो कमजोरी है नी, बड़ी चट मंगनी और पट ब्याह कहाँ से होगा। बड़ी फाउंडेशन लग चुका है, 6 महीने की बड़ी बात है मकान बड़ी तुम्हारा। 6 महीने? बड़ी बात 6 महीना, सिर्फ 6 महीने? बड़ी एकदम 6। ले इसमें क्या बड़ी बात है,
क्यों बाबा जी, 6 महीने तो हम लोग चिड़ियाघर में भी रह सकते हैं। ना बाबा जी, तेरा दिमाग खराब है, चिड़ियाघर में भी जगह नहीं होगी। वहाँ भी सारे पिंजरे इन्होंने अपने सगे संबंधियों के लिए रिजर्व कर रखे होंगे, एडवांस भी खा चुका होगा ये। पीछा तो सही। पर्वत पर्वत बस बस बस, रहने दो ये सब बातें। ये तो अच्छा हुआ कि मैं वक्त पर आ गई। मैं कहती हूँ मुझे ये पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं। मैं अभी और इसी वक्त अपनी माँ के पास चली जाऊंगी, एक बूंद पानी तक नहीं पीऊंगी यहाँ का। ओफो, मगर शारदा डाली तुम समझती क्यों नहीं, उनके यहाँ रहने से मेरा मतलब है कि सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। और फिर तुम इतने दिनों बाद तो यहाँ आई हो। तो क्या हुआ, देखिए जी मैं सच कहती हूँ, अगर वो लोग यहाँ से गए तो मैं भी नहीं रहूंगी। क्या सोचते होंगे वो लोग मेरे लिए। भाभी, भाभी जिंदाबाद, भाभी, भाभी जिंदाबाद। यार आओ शारदा, यही है मेरे वो दोस्त मिस्टर नाथ और मिस्टर गौतम। नमस्ते भाभी। नमस्ते जी, आइए बैठिए ना। नाथ, आज मैं तुम्हारी भाभी की बहुत खुशामद कर रहा था, वही सुबह वाली बात के लिए। जी हाँ, ये आप दोनों की बहुत तारीफ कर रहे थे। बस भाभी, हमने सब कुछ सुन लिया, ये हमारी वैसी ही तारीफ कर रहा था जैसे आज सुबह आपकी। तुम कह दूं यार, वो तुम्हें मजाक कर रहा था, सचमुच मजाक कर रहा था। मजाक कर रहा था भाभी, आप सचमुच महान। अरे हर हिंदुस्तानी स्त्री अपने पति की बुराइयों को छिपाना चाहती है, लेकिन ये बदमाश तुम जैसी देवी के योग्य नहीं। भाभी भाभी, क्या साक्षात रूप पाया, आप क्यों आए बीच में हमारे? बुलाया हमें भाभी ने। अरे क्यों, अरे हमें बुलाया, बुलाया। फरमाइए। सुनिए मालकिन भाई, छोड़ी भी, मैं कह रही थी वो अपनी जमुना मामी है ना। जमुना मामी? वही पुरानी चाल वाली। हाँ अच्छा अच्छा, मैं इन दोनों को उनके पास ले जाती हूँ। सुनो प्यारे दोस्तों, तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए कमरा तलाश किया है, तुम कल उनके साथ जाके देख भी सकते हो और रह भी सकते हो। वंडरफुल भाभी, यू आर ग्रेट। भाभी जरा बाहर आना, मैं आपके चरण छूना चाहता हूँ। अगर चरण ही छूने तो मेरे छुआ ना, क्योंकि तुम्हारी भाभी दिन में 2 मरतबा मेरे चरण छूती है। यस, वही 2 बार लकी पॉय। अरे कहाँ गया भाई? भाभी वही, सॉरी जलेबी भाभी, यो सो नहीं यार, मना गया मकान नहीं यार। मकान मिल गया भाई, मकान का किराया देना होगा। हाँ देना होगा। अरे यार ये पछ रही है। नमस्ते। नमस्ते, ये है हमारे चाल के सेक्रेटरी हनुमान प्रसाद जी, और ये है नाथ गौतम। इंदौर से आए हैं। इंदौर से आए, हॉलीवुड से आए, मेरे को क्या करना है? देखिए मैं अपने कमरे की चाबी इन्हें दिए देती हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन इनको चाल के नियम मानने होंगे, फॉर्म पर दस्तखत करनी होगी, नहीं तो कानून से इनका सामान बाहर फेंक दिया जाएगा। क्यों वकील साहब? जी हाँ बिल्कुल फेंक दिया जाएगा, कोई सुनवाई नहीं होगी। लेकिन वो नियम तो बता दीजिए। हाँ फॉर्म कहाँ है? ये लीजिए। प्लीज पास ऑन, थैंक यू। अच्छी तरह से पढ़ लो। जिसमें पढ़ना क्या है, सुना है बंबई में सारा जहान मिल सकता है लेकिन मकान नहीं मिल सकता। याद रखना चाल के कानून बहुत कड़क है। जेल से ज्यादा कड़े नहीं है, हम जेल काट चुके हैं, वो तो शक्ल पर से ही नजर आता है। बिल्कुल नजर आता है जी, आजादी की लड़ाई के लिए गए। आजादी की लड़ाई के लिए। चलिए वकील साहब। अजीब ओंधी खोपड़ी का आदमी मालूम होता है, पूरा रंगा तैयार है, बगला फगत। आई सी, चलिए काकी चल कमरा ही दिखाओ। अच्छा हुआ। सुनो ये रहा कमरा और ये रही चाबी। धन्यवाद। थैंक यू काकी। ओपन ओपन। हम आपके आभारी हैं, मशहूर हैं, ममनून हैं कि आपने प्रेम और प्यार के साथ हमें ये कमरा दिया है, और हमें उम्मीद करते हैं कि आप इस कमरे को एक ताजमहल बना देंगे। हम आपके एहसासमंद हैं, अकलमंद हैं, अब आप जाइए। अरे काकी कहाँ उड़ गई? चलिए गेटर गोल्ड कमरे में। देखा कमरा कैसे क्या हो गया? देखे कमरा कैसे क्या हो गया, होटल ताजमहल हो गया है। तो क्या कम हो गया है? पहले कमरा गौशाला था, अब धर्मशाला हो गया। छोड़ा छोड़ा। राम राम। लड़की की आवाज यार, लड़की। ओहो हाँ हाँ हाँ, क्या बात है? मला मलकिन ने काम करेले भेज ले। करेले भेजे? करेले लाओ। नाथ कहती है मालकिन का भेजा खराब हो गया। ओ माय गॉड, कब से खराब हुआ? ना ना ना, भेजा नहीं खराब हुआ है, मेरे को काम करने को भेजा है। काम हुआ? और फॉर्मूला बाबू काम करने के लिए। बड़ी अच्छी बात है, काम करो। काम तो कर लिया भाई। खैर एक कप चाय हो जाए। चाय हो जाए, चाय बनाइए। हाँ चाय करो। अंत क्या बोल गए भाई? लेकिन गौतम। हाँ भाई। हमारे पास तो चाय की पत्ती, शक्कर, दूध कुछ भी नहीं है। जमुना काके के यहाँ से ले आएंगे। शर्म नहीं आती मांगते हुए?
क्यों जी, इसमें शर्म की क्या बात है? आजकल एक देश दूसरे देश से उधार मांग सकता है, हम क्या पड़ोसियों से उधार नहीं मांग सकते? हम सबको इकट्ठे मिलकर रहना चाहिए, खाना चाहिए, संगठन। नो गौतम, नो, दिस इज बैड फॉर फॉरेन पॉलिसी। तुम खुद जाके खरीद लो सामान। जी हाँ, और आप यहाँ घर पे बैठ के मराठी सीखेंगे। व्हाई नॉट, दिस इज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सुनिए, आप जाइए दूध लाइए, मैं जाके शक्कर और चाय की पत्ती लाऊं। अभी यहाँ से मैं दूध की दुकान, वो सामने है साहब, दूध की दुकान। ओ बिल्कुल, क्या दिखता है? अब बात बेटे मोटू, तू यही घर में भी आ रहा हूँ। मेरा बिल्कुल बोतल तोड़ने का राजा नहीं था, मगर खुदा की कसम आप भी क्या चलती है, चलती कहीं देखती कहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, सड़कों पे अकेला जी, एक तो अंधों की तरह आप साइकिल चलाते हैं जी, बेशर्मों की तरह हंसी उड़ा रहे हैं इनकी। भाई साहब, इनसे टकराएगा तो कोई नजर वाला ही टकराएगा, आपके साथ नानी टकराएगा, आप प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस। हाँ जी, तो मैं आपको ये समझा रहा था देवी जी। भाई साहब देख रहा हूँ, मेरे को यही तरीका आता है भाई साहब, आप जरा चलिए, मैं इनको बहुत प्राइवेट काम समझा रहा हूँ। आप क्या, मैं बड़ा बता मैं था पागल हो गए हो क्या, मार खा के हंसते हो? मुझे कहाँ पागल बनाने चले हो, उसी को पागल बनाने जिसे बनाने चले थे। खुद ही तो मुझे सिखा कर लाए थे कि तुम टक्कर मारना मैं बचाऊंगा, तुम मजाक करना मैं बिगड़ूंगा, मैं मारने दौड़ूंगा तो भागना है कि नहीं मारू। हाँ हाँ, किसी ने यही कहा। हाँ, फिर वो मदद का शुक्रिया अदा करेगी, हो जाएगी हम डरते, और हम डरते प्यार की राह की पहली सीढ़ी होती है। क्या बताता हूँ, तुम ये बताना भूल गए थे कि इतनी जोर से थप्पड़ मारोगे, मैं इतनी जोर से थप्पड़ मारते और ना भाजा फूटता, चल मर दू। चल भैया, देवी जी देखिए, मैंने बिल्कुल नहीं जानता, मैं सब समझ गई कि वो कौन है और आप कौन है। मगर लेकिन देवी जी सुनिए तो सही, कोई मार नहीं, आप कौन? थैंक यू। क्या आपके यहाँ ब्रुक बॉन्ड की चाय मिलेगी? आपके यहाँ ब्रुक बॉन्ड की चाय मिलेगी? आपको भी ब्रुक बॉन्ड की चाय चाहिए? जी हाँ। माफ कीजिएगा, हमारे यहाँ ब्रुक बॉन्ड की चाय नहीं है। तो आपके यहाँ कौन सी चाय है? हाँ जी, हमारे यहाँ तो लिप्टन की चाय है। ओहो, लिप्टन की चाय है जी। लिप्टन की चाय पिएगी आप? जी नहीं। जरूर लीजिए, लिप्टन की चाय जरूर लीजिए। हाँ बाबू जी, लिप्टन ही पिया करिए। ये लीजिए, एक पैकेट आप लीजिए और एक पैकेट आप लीजिए। बाबू जी पैसे कितने पैसे हुए? आज 3 रुपए हुए। शुक्रिया आप जी, पैसे ले लीजिए। ये लीजिए, लाइए लाइए, लिप्टन की चाय। हाँ वाह वाह वाह, क्या लिप्टन और क्या लिप्टन की चाय। क्यों भाई साहब, आप क्या लिप्टन कंपनी के एजेंट हैं? माफ कीजिए, मैंने आपसे नहीं, आपसे कहा। ओहो, हाँ हाँ, बताइए ना, क्या आप लिप्टन कंपनी के एजेंट हैं? आपको क्या दिखाई देता हूँ? भाई साहब, कम से कम मुझे तो आप इस कुत्ते के एजेंट दिखाई देते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। यू शट अप, होती गुस्सा नहीं देवी जी, गुस्सा नहीं, मैं आपके पीछे नहीं आया हूँ, और वो आदमी तो बिल्कुल झूठ बोल रहा था। मैं माँ की सौगंध खा के कहता हूँ कि मैंने उस आदमी को पहले कभी नहीं देखा। बस बहुत हो चुका, मैंने मान लिया आपकी सफाई, अब आप यहाँ से जाइए। लेकिन मैं तो दूध लेने आया हूँ, अगर मैं जहर की दुकान में खड़ी होती तो शायद आप वहाँ भी मेरे पीछे खड़े होते, है ना? जहर? आप फिर मुझे गलत समझिए, जहर की दुकान में मैं आपके पीछे नहीं, आगे खड़ा रहता। आप ये मत, घबराते क्यों हैं? कुत्ता आपका पीछा नहीं कर सकता। मैं जो हूँ मैं आपको हटा दूंगा।
सुनिए आप पीछे जाइए। हम किसी के पीछे नहीं जाते मेम साहब। देखिए ये लोग बाद में होते ही लाइन में जाए। चलिए पीछे चलिए, चलिए लाइन में चलिए। बात तो सुनो, बात तो सुनो। ना ना कुछ देखो लाइन में चलो। ना बाबा अच्छा। हाँ बहन जी कितना दूध चाहिए? एक सेट। बाटली? वो तो नहीं है। तो फिर? आई दूध ये यहीं पर पी लूंगी। देखिए मैं बोतल की कीमत दे दूंगी, मेरी बोतल रास्ते में टूट गई। अच्छा तो लाइए। जल्दी कीजिए बहन जी, सब लोग लाइन में खड़े हैं। अरे 5 रुपए का नोट था कहीं गिर गया। बाटली टूट गई, नोट गिर गया, अब मेरे लिए क्या होगा? अजी अंकल मुफ्त आधार वालों के लिए लाइन अलग बनाया करिए। लीजिए ये रहा आपका नोट। मेरा नोट? जी हाँ यहीं गिरा पड़ा था आपके कदमों में। पिताजी पिताजी चिल्ला रही हो, बरसों के बाद एक नॉकआउट विक्ट्री का चांस मिला था मगर तुम हाय, तुमने इतनी देर कहां लगा दी? जी मैं आज ही गुंडे ने बहुत परेशान किया। गुंडा? जी हाँ उस दुकान पर मैं। खामोश, ये सब बाद में होगा, अभी देख लेता हूँ, चलो कमन। लेकिन अब वो कहाँ मिलेगा पिताजी? ठीक ही तो कहती है सीमा जी, वो मार खाने के लिए थोड़ा खड़ा रहेगा। बड़ा कमीना था वो। वो तो भला हो शरीफ नौजवान का जिसने मुझे बचा लिया। तो किसी शरीफ दादे ने मार भगाया उसे? मार तो नहीं भगाया लेकिन उसे बचाकर मुझे साइकिल पे बिठा के भगा लाया। क्या? जी हाँ पिताजी, जल्दी जल्दी चलाकर। फिर भी उस बदमाश के डॉगी ने हमारा पीछा किया। डॉगी ने? जी हाँ, वो तो भला हो उस बिल्ली का जो गली से निकल कर भागी और वो डॉगी उसके पीछे हो लिया, वरना आज हम दोनों की मुसीबत ही थी। मालूम होता है तुम्हारा बचाने वाला बड़ा ही बहादुर है, कमबख्त भागने के सिवा कुछ जानता ही नहीं। आप ठीक कहते हैं पिताजी, इसीलिए तो कल आ रहा है आपसे बॉक्सिंग सीखने के लिए। अच्छा आने दो आने दो आने दो आने दो। दीवाना है तेरा दिल, तेरा दीवाना है सनम, तेरा दीवाना है तेरा। अरे अरे ठाकुर साहब आप खड़े क्यों हैं? बैठिए बैठिए। लाला सच बात तो ये है कि जब से तुमने विजय के साथ मेरा रिश्ता मंजूर कर लिया है चैन से बैठ ही नहीं पाता। हाँ तो मैंने कर दी है मगर अभी बहुत कुछ सोचना बाकी है। दुनिया की नजरों में विजय मेरी भांजी है मगर आप तो जानते हैं मैंने उसे बच्ची की तरह पाला है। क्यों नहीं क्यों नहीं, है विजय के पिता ये मकान पास वाली जमीन बैंक बैलेंस कोई 2-1 लाख का माल तो छोड़ गए होंगे। जी जी हाँ इतना तो नहीं, खैर काफी है। और उनकी वसीयत के मुताबिक शादी के फौरन बाद इन सबकी हकदार विजय हो जाएगी। ठाकुर साहब आप तो जानते हैं मैं भाई बंदी में विश्वास रखता हूँ, मिल बांट के खाने में ही समाज की भलाई समझता। मिला ये हाथ लाला, मेरे सूल भी बिल्कुल यही है। 50-50 लेकिन शादी के बाद। और शादी तक? मैं तुम्हारे उसूलों से बहुत खूब वाकिफ हूँ लाला, इसीलिए घर से चलते समय ये 10,000 का चेक जेब में रख लिया था। ये लो बाकी। आओ बेटा विजय आओ। नमस्ते। नमस्ते मामा, जरा रास्ते में देर हो गई, एक साइकिल से टक्कर हो गई थी। अरे अरे कहीं चोट तो नहीं आई? टक्कर? टेलीफोन डॉक्टर? घबराने की जरूरत नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। हाँ मामा मैं तो बच गई लेकिन दूध की बोतल टूट गई। धन्य थी वो दूध की बोतल जिसने आपकी बला अपने ऊपर ले ली। भगवान मुझे दूध की बोतल ही बनाया होता। जी विजय बेटा तुम जाओ आराम करो है जाओ। Thank you.
अरे साहब तुम कुछ लाया नहीं, कहीं झाला? हाँ कहीं झाला? झाला कहा है? झाला कहा है? ओ दाद कहीं झाला? झाला झाला। हाँ झाला झाला व्हाट इज दिस? अरे भाई दूध की बोतल आया। क्या बताऊं अपने देश की गरीबी देखकर आंखें भर आई। आंखें भर आई तो ठीक है लेकिन दूध की बोतल कितने है? वही तो कह रहा हूं गौतम, वो दूध की बोतल मैंने दुकान पर एक बुढ़िया औरत को दे दी। वो बुढ़िया? हाँ और अगर ना देता तो उस बुढ़िया का बेचारा बच्चा मर जाता। बेचारा। जरा नीचे से दो कप चाय स्पेशल ले आना। दो नहीं तीन ले आना, ये बेचारी भी पिएगी। बारह आंते। वो बारह नहीं तीन लाना भाई। गौतम हाँ तू भी तो चाय की पत्ती और शक्कर लेने गया था, उसका क्या हुआ? वो नाथ क्या हुआ है, मुझे रास्ते में एक नन्ही सी छोटी सी बच्ची मिल गई, मेरे सामने रोने लगी कि मैंने तीन महीने से स्कूल की फीस नहीं दी है, मुझे दया आ गई मैंने उसे पांच रुपए दे दिए। अच्छा उस बेचारी नन्ही मुन्नी बच्ची की क्या उम्र थी? कुछ यूं ही गरीब नहीं, कोई 18 साल की थी बेचारी। अच्छा वैसे नाथ पापा जी माफ करना, वो बुढ़े की क्या उम्र थी जिस पे आपने दया की थी? वही उससे कुछ 2-3 साल छोटी होगी, 16 या 17 की होगी। ओह यानी 16 स्वीट 16 में बुढ़ापा। बड़ी जल्दी आ गया था मिरेकल। माफ करना नाथ पापा जी, मुझे जरा उम्र के मामलात में कुछ गड़बड़ मालूम होती है। तुम भैया मुझे भी मालूम होती है, फिर क्या करते रहो। चलो हनुमान जी के सामने माफी मांगो, बड़ी गलत चीज है। चलो सामने हनुमान जी। आप जी क्या बात है, आज भी आपकी दूध की बोतल टूट गई है क्या? जी नहीं आज मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ। छोड़ो छोड़ो, अरे 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 बंद मिनट नॉट रेडी यार। गौरव तुमने कितने होते वाले किया था क्या सुनूंगा भाई? चलो मेरी तबीयत नहीं है आज। चलो चलो आप आपको सुनता हूं लानत है ऐसी मोहब्बत पे प्यारे, लानत है ऐसी मोहब्बत पे प्यारे, दिखाए जो दिन में भी मजनू को तारे, दिखाए जो दिन में भी मजनू को तारे। लानत है ऐसी मोहब्बत पे प्यारे, लानत है ऐसी मोहब्बत पे प्यारे, दिखाए जो दिन में भी मजनू को तारे। गए थे सितमगर को अपना बनाने, चले थे मोहब्बत में मस्का लगाने, ये सोचा था लैला का दीदार होगा, इशारों इशारों में इकरार होगा, जो इकरार होगा तो किस्मत बनेगी, खबर क्या थी अपनी हजामत बनेगी। कोई प्यार का भूत सर से उतारे, दिखाए जो दिन में भी मजनू को तारे, दिखाए जो दिन में भी मजनू को तारे। लानत है ऐसी मोहब्बत पे प्यारे, लानत है ऐसी मोहब्बत पे प्यारे, दिखाए जो दिन में भी मजनू को तारे। मार जावा। छुपा था जो कल तक हमारे ही मन में, वही दर्द है आज सारे बदन में, कहीं का न रखा हमें आशिकी ने, बहुत मार खिलवाई दिल की लगी ने, मोहब्बत
मोहब्बत में जो अपनी खातिर हुई है वो बंदे की सूरत से जाहिर हुई है। न जाएंगे भूले से अब उसके बारे दिखाए जो दिन में भी मजनू को तारे, दिखाए जो दिन में भी मजनू को तारे। लानत है ऐसी मोहब्बत पे प्यारे, लानत है ऐसी मोहब्बत पे प्यारे। दिखाए जो दिन में मोहम्मद गिंदड़ पिंडड़ बंडा, दिखाए जो दिन में मोजंदड़ पिंडड़ बारे। क्या बात है गौतम, ठीक क्यों रहा भाई? कुछ नहीं, कुछ नहीं यार, जरा उस्ताद जी के पास गया था बॉक्सिंग सीखने, उनके जरा उल्टे सीधे हाथ पड़ गए। मैं तो ठीक हूँ, मैं तो ठीक हूँ यार, वो गरीब बेचारा तबेले में पड़ा हुआ है। वैसे नाथ पापा जी, आप भी तो लाइब्रेरी गए थे ना कुछ किताब पढ़ने, कौन सी धर्म की किताब पढ़ी आपने? क्या बताऊं गौतम, वो किताब थी कि स्वर्ग की चाबी। बस किताब पढ़ते पढ़ते मैं स्वप्न लोग में पहुंच गया। वहाँ एक खूबसूरत सी अप्सरा मिली, उसके हाथ में मैंने हाथ डाले, फिर चांद सितारों ने गवाही दी। क्या बताऊं, बस करो देवदास, मेरी तकलीफ बढ़ चुकी है, जरा ईरानी के होटल से थोड़ी सी बर्फ ले आओ मेरे लिए। बर्फ छुट्टा होता है, जमना काकी दे देगी, फिर मांग रहा है। अच्छा लाता हूं। कब बात कहीं का सफल लोग पहुंच गया था, कुरला भंडूप जाने के लिए दुआ ने मुझसे मांगता है, बात करता है चांद सितारों की घड़क। अरे गटर में लागा चोर मुसाफिर, जाग जरा बाबा मन की आगे। चलो जवान। अरे भाई गौतम, क्या हो रहा है? ओ शंभुनाथ जी, क्या बात है आपकी, बोलना क्या पर्सनैलिटी हो गई आपकी। मोहन बाबू कहिए, माफ कीजिए मैं समझी। देवी जी, मैं ही मनमोहन हूँ, बोलिए। अबे क्या मनमोहन लगा रखी है। अरे हाँ भाई, वो नौकरानी ने बताया कि तुम्हें कहीं चोट वोट लग गई है, यही देखने चलाया, लेकिन यार तुम तो बिल्कुल भले चंगे नजर आ रहे हो। आप क्या चाहते हैं, मैं मर जाता? अरे भाई पहलवानों को चोट लगती ही रहती है। अच्छा भाई, इसी बात पर एक स्पेशल चाय पिलाओ, मैं यहाँ का रसोईया हूँ, आपको ना चाय पिलाएगा। चाय पिलाओ थे, मैं जा रहा हूँ काम पे। अबे यार मैं तुझसे मिलने आया था, तुम चले जा रहे हो, कमाल हो गई। नहीं अरे शंभू, आओ भाई आओ, कैसे आना हुआ? अरे यार ना, गौतम भी अजीब आदमी है। क्यों? मैंने उससे कहा मुझे एक कप चाय पिला दे, तो कहने लगा नाथ पिलाएगा। कमाल है यार, मुझसे कुछ अच्छी तरह से बात भी नहीं की। अच्छा। यार उसको तो बंबई की हवा लग गई है। अरे भैया, बंबई में बंबई की हवा नहीं लगेगी तो और क्या, तेरे गांव की हवा लगेगी। अच्छा बात यह है कि हवा तो मुझे भी थोड़ी बहुत लग गई है, मैं भी जा रहा हूँ, तू आराम से बैठ यहाँ। यार मुझे चाय कौन पिलाएगा? भैया चाय तो खुद पी लेना, तेरा घर है, तू पीना, मैं जा रहा हूँ। क्या सोच रहे हैं? हंसी आ रही है अपने आप पर विजय, जब मैं अकेला होता हूं तो चाल का कमरा भी अपना नहीं लगता, लेकिन जब तुम मेरे साथ होती हो
तो ऐसा लगता है कि सारी बंबई पर अपना राज है। सिर्फ बंबई पर ही? जानते हो औरत का दिल कितना विशाल होता है, उसमें सारी दुनिया समा जाए और जो उस दिल पे राज करे वो कहां का राजा ना होगा। विजय आज ये आंचल मुंह क्यों छुपाए, आंख का काजल क्यों शर्माए, आखिर क्या है बात हंसी क्यों होठों तक आकर रुक जाए। आज ये आंचल मुंह क्यों छुपाए, आंख का काजल क्यों शर्माए, आखिर क्या है बात हंसी क्यों होठों तक आकर रुक जाए। आज ये आंचल मुंह क्यों छुपाए। बदली अदा आज है हर अंदाज नया, दिल की लगी छुप न सकी राज ये आखिर खुल ही गया। रंग बदल कर किधर चली हो बदन समेटे नजर चुराए। आज ये आंचल मुंह क्यों छुपाए, आंख का काजल क्यों शर्माए, आखिर क्या है बात हंसी क्यों होठों तक आकर रुक जाए। आज ये आंचल मुंह क्यों छुपाए। की घटा ये आलम ये मदहोशी, चुप न रहो कुछ तो कहो तोड़ भी दो ये खामोशी। ये मौसम ये घड़ी मिलन की रोज कहाँ जीवन में आए। आज ये आंचल मुंह क्यों छुपाए, आंख का काजल क्यों शर्माए, आखिर क्या है बात हंसी क्यों होठों तक आकर रुक जाए। आज ये आंचल मुंह क्यों छुपाए। साथी प्यार की राहों का साथ कभी छूटे ना, इन लहराती बाहों का अब न जुदा हो दिल से तेरी बल खाती जुल्फों के साए। आज ये आंचल मुंह क्यों छुपाए, आंख का काजल क्यों शर्माए, आखिर क्या है बात हंसी क्यों होठों तक आकर रुक जाए। आज ये आंचल मुंह क्यों छुपाए।
नमस्ते भाभी। ओ नाथ भैया, कहो आज बहुत दिनों के बाद भाभी की याद आई, कैसे रास्ता भूल पड़े? एक जरूरी काम है भाभी। क्या? पहले ये बताइए भाभी, क्या क्या आपने किसी से प्यार किया? क्या कहा भाभी? मेरा मतलब है कि मुझे भी किसी से प्यार हो गया। ओ भाभी, मैं ये चाहता हूँ कि आप जल्दी से उसकी मेरे साथ शादी कर दीजिए। अच्छा, खैर ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन लड़की कौन है? मैं भी तो देखूं, मुझे भी तो पसंद आनी चाहिए। आपको जरूर पसंद आएगी, जरूर पसंद आएगी। अच्छा वो है कहाँ? यही है, यही यहाँ। तो आप आंखें बंद कीजिए और वो आ जाएगी। अच्छा ये लो विजय। भाभी विजय। अरे वाह, ये तो सचमुच बड़ी ही प्यारी है। ठहरो, मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने को लाती हूँ। भाभी इसकी कोई जरूरत नहीं। नहीं भाई, मुंह तो मीठा करना ही पड़ेगा। नहीं भाभी, देर हो रही है और इससे पहले यहाँ कोई आ जाए हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। हाँ भाभी, आपको इनके पिताजी से मिलकर सब बातचीत तय करनी होगी। समझ गई, कर लूंगी। ये कौन है? कहीं गौतम तो नहीं भाभी? भाभी अगर गौतम हुआ तो उसे वहीं से लौटा देना, जल्दी लौटा देना, यहाँ मत आने देना भाभी। क्या देखिए, आप पर्दे के पीछे चले जाइए। जाइए ना, मैं किचन के पीछे जाऊंगा। जाइए ना। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भैया, आइए। कोई अंदर तो नहीं है? नहीं तो क्या बात है? मैं आपसे कुछ सलाह लेने आया था, बड़ी गंभीर समस्या है। प्लीज किसी से मत कहिएगा, उस नाथ के बच्चे से मत कहिएगा। समझ गई, समझ गई, आपको किसी से प्यार है। कमाल है, लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ? मैं तो ये भी जानती हूँ कि आप लड़की दिखाने के लिए लाए हैं। कमाल है, वंडरफुल। आप जादू जानती है? किसने दिखाया आपको? आपके भैया ने। वही भैया? अब आप भी जादू दिखाइए, लड़की पेश कीजिए। हाँ करता हूँ। लड़की सीमा, ये मेरी जादूगर भाभी। ये सीमा, मैं आप भी कुछ कम नहीं है भैया। आइए भैया अंदर। अच्छा मेरा भाभी, थैंक यू वेरी मच सीमा, मजा आ गया। अब फोगट में खाने पीने को मिलेगा सीमा, ऐश करो। भाभी क्या है, कौन है? कुछ नहीं भैया, बिल्ला है। बिल्ला? बिल्ला? ये बंबई की बिल्लियां बड़ी खतरनाक होती है। बिल्ला मैं चलूं भाभी? नहीं भैया, आप यही ठहरिए, ये तो पालतू बिल्ला है। पालतू? म्युनिसिपैलिटी ने दिया होगा। ओ भाभी, हमें पालिया होता भाभी, कोई आया है, अगर ना हो उसे अंदर मत आने देना प्लीज। क्यों, कोई आया है क्या? आप खुद ही देख लीजिए। क्या मतलब? ठहरिए बताती हूँ। गौतम भैया आ जाइए, ये नाथ नहीं है? ये तो आपके नाथ है शंभुनाथ जी। एक्सक्यूज मी भाई, एक बड़ी कठिन समस्या आ गई है। अच्छा अच्छा ठीक है भाई। गौतम इसमें घबराने की क्या बात है? सीमा बाहर आ जाओ, इट इज ओके। मैं कल ही इनके पिताजी से जाकर सारा मामला ठीक कर दूंगा। शुक्रिया। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते जी। मैंने कहा नमस्ते जी। नमस्ते जी। यहाँ पे। अच्छा भाभी हमें छुट्टी दीजिए, मैं सीमा जरा हॉलिडे इन बॉम्बे। आओ सीमा, आओ। ये क्या करते हैं? इसमें शर्माने की बात क्या? चलिए। हाँ जी। वहाँ पर्दे के पीछे एक खूबसूरत लड़की छुपी हुई है। लड़की? हाँ? पर्दे के पीछे? ओ शंभुनाथ जी हैविंग अ डबल अफेयर? अरे भाई भाई, वो तो अपनी भाभी की नौकरानी है। लेकिन वो नौकरानी जैसी नहीं लगती। अरे भाई मैं खुद गलती खा गया था, मैं सिर्फ समझा हमारी भाभी है वो। हदों की क्या है, मुझे भला खाना चाहिए। और भैया शंभु, गौतम को इसके बारे में कुछ मत कहना। अमया तुम उसकी फिक्र मत करो, लेकिन तुम अपनी उनसे तो मिला। विजय उनकी पसंद के तो क्या कहने हैं। विजय ये हैं शंभुनाथ जी। विजय नमस्ते जी। अच्छा भाभी मेरा काम मत भूलना। सुनो
पर्दे के पीछे एक बहुत खूबसूरत लड़की खड़ी थी। खूबसूरत लड़की? शंभू? नहीं नहीं, वो नौकरानी होगी। नहीं नहीं, वो नौकरानी जैसी नहीं दिखती थी। नहीं नहीं, तुम नहीं जानती, मुझे भी ऐसी गलतफहमी हो गई थी, मैं उसे भाभी समझ बैठा था। हाँ तो कहिए, मैं सुन रहा हूँ। बात ये है कि आपकी लड़की सीमा, मेरा मतलब भगवान की दया से बड़ी हो गई। आप यही बताने आए हमें? थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। मैं ये कहने आया था कि आप सीमा का रिश्ता गौतम से कर देंगे। कौन गौतम? कौन गौतम? ए! जी सीमा उन्हें जानती है, वही लड़का जो आपके पास बॉक्सिंग सीखने आया था। ओ, वो बुजदिल, वो गीदड़ जो एक बार मार खाता गया और फिर वापस ही नहीं लौटा। लेकिन सीमा और गौतम एक दूसरे से प्यार करते हैं, यही कहना चाहते हो तुम? तो कान खोल कर सुन लो, मैं एक बॉक्सर हूँ और सीमा मेरी बेटी है, उसकी शादी किसी फर्स्ट क्लास बॉक्सर से होगी। कमाल है साहब, मैं विजय की शादी उससे करूंगा जो मुझे 50,000 रुपए दे। तो क्या आप अपनी भांजी का सौदा करेंगे? क्यों ना करूं? आखिर उसकी पढ़ाई लिखाई और पालने पोसने पर मुझे रुपया खर्च करना पड़ा है। लेकिन आपको लड़की और लड़की की खुशी का भी तो ख्याल रखना चाहिए। अगर आपको मेरी शर्त मंजूर है तो बात कीजिए, वरना। क्या मैं विजय से मिल सकती हूँ? नहीं। विजय कान खोल कर सुन लो, आज से तुम्हारा घर से निकलना बंद, समझी? मैं किसी की कैदी नहीं हूँ। विजय मुझे हाथ उठाने पर मजबूर मत करो, मैं तुम्हारा रिश्ता तय कर चुका हूँ और आज के हादसे के बाद शादी में भी देर ना करूँगा। शादी? मगर मेरी मर्जी भी तो कोई चीज है। तुम्हारी मर्जी कोई चीज नहीं, तुम्हें सिर्फ मेरी मर्जी पर चलना होगा। ये नहीं हो सकता। बकवास बंद करो। मैं वो चुप। मैं भाभी कुछ समझ नहीं आ रहा। हो देवर जी, आप भी बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, भाई कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। हाँ भाई नाथ, फिलहाल तुम एक काम करो कि रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर शादी के लिए एक अर्जी दे दो। हाँ ब्रिलियंट आइडिया, मैं भी यही सोच रही थी। मैं भी आता हूँ। हाँ। जल्दी जाओ, जल्दी करो, देर मत करो। ओ हेलो नाथ, कहाँ चले भाई? भाई वो शंभू आया भाभी के साथ, उनके लिए कुछ मिठाई उठाई लेने जा रहा हूँ। ओ वेरी गुड, जरा सस्ती रहना भाई, काफी कड़की है, मैं हाफ ऑफ नहीं करूंगा। बड़ा कंजूस हो गया। शंभू नाथ जी और भाभी, आप लोग मेरे आश्रम में? हाँ, तुम्हारी समस्या पर ही बैठे सोच रहे थे। अरे यार गौतम, सीमा का बाप तो बड़ा अखंड निकला, धेले की तमीज नहीं, अब यार तुमने भी किस जंगली की लड़की से मोहब्बत कर डाली। मोहब्बत हो जाती है शंभुनाथ जी, ऐसा ना होता है तो शारदा भाभी तुम जैसे कार्टून से शादी करती। माफ कीजिएगा देवर जी, कार्टून तो आप लगते हैं। जियो, रख ली ना मेरी इज्जत। अरे हाँ गौतम, फिलहाल तुम एक काम करो, रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर शादी के लिए एक एप्लीकेशन दे दो। शंभुनाथ जी, वाह भाभी जी। अबे भाभी उतारे। ओह माफ करना, वाह भाभी जी, वाह शंभुनाथ जी, मैं अभी जाके अर्जी लेता हूँ। हमेशा से इसका दिमाग उल्टा रहा है, शादी के बाद ठीक हो जाएगा। आइए आइए ठाकुर साहब, तशरीफ रखिए। लाला, मैं जब भी आपसे मिलता हूँ सोच में पड़ जाता हूँ कि बढ़कर हाथ मिलाऊं या पांव छू लूं। उम्र के लिहाज से तो हम दोनों बराबर के हैं, लेकिन विजय के रिश्ते से। अरे बराबर और ना बराबर क्या, रिश्ता तो आखिर रिश्ता ही है, बस अब आप शादी की तैयारी कीजिए। आपके मुंह में घी चक्कर, अजी शादी के लिए तो मैं 40 बरस से तैयार बैठा हूँ। लाला बुरा ना मानियो, मैं कुछ गलत सी उड़ती उड़ती खबरें सुन रहा हूँ विजय के बारे में, कहीं ऐसा ना हो। क्या ना हो? आप तो जानते हैं आजकल के लड़के लड़कियाँ, मेरा मतलब है घर वालों की, कौन सुनता है। ठाकुर, मैं भी कान और आंख बंद करके नहीं बैठा हूँ, मैंने भी पूरे बंदोबस्त किए हुए हैं, विजय इस घर से बाहर नहीं निकल सकती। आहा, लाला जियो, लाला जियो। प्रिय गौतम, तुम्हारे दोस्त ने शादी की बात छेड़कर डैडी को बहुत नाराज कर दिया है, तुम्हारा यहाँ आना खतरे से खाली नहीं, लेकिन मैं, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आता। गौतम तुम ही कोई रास्ता निकालो ना,
तुम्हारी सीमा। मेरे नाथ, मामा ने मेरा बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर दिया है। मैं बहुत परेशान हूँ। वो मेरी शादी किसी बूढ़े से कर देना चाहते हैं। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, वरना जहर खाने के सिवा और कोई चारा नहीं। अब आगे विजय। शाजी शेठ जी, कौन है आप लोग? मेरा नाम कमरुद्दीन बदरुद्दीन ईसा भाई कांचवाला छे, अने ये हमारे मामूजी शेठ छे, अने ये हमारे भागीदार छे। सच नहीं आया देख ना, काम के वास्ते ही चाय लाए, काम के वास्ते ही चाय लाए। हमारे को पता चला कि आप ये मकान बेचना चाहता है, अब तो अपन लोग इस वास्ते देखने को आए रहे। माफ कीजिएगा, आपको किसी ने गलत खबर दी है, मेरा मकान बेचने का कोई राजा नहीं। हमारे को मालूम है देख रहा, हमारे को मालूम है। कोई पन इज्जत वाला शेर ऐसा बोले क्या, मगर तकलीफ का दिन सबको आता है बेटे, सबको आता है। मामू जी शेठ, तुम्हें लोग जोई लो, तुम्हें लोग जोई लो। अरे अरे भाई, मेरा कोई मकान बेचने का नहीं। देवदो शेठ, देवदो आओ आओ आओ, हमारे से दिल का बात क्या छुपाएगा। ऊपर व्यापार मानिस छू, वो ऊंच नीच तेजी मंडी तो लगा ही रहता है। एक बंगला बेचने में क्या है, जब तुम्हारा तेजी आएगा तो चार बंगला खरीद लेना। आप अजीब हवनक आदमी है, मैं कहता हूँ मुझे ये बंगला नहीं बेचना। तो बिगड़ता काय को सेठ जी, बैसी जाओ बैसी जाओ बैसी जाओ बैसी जाओ। देखो सुनो डिगरा सुनो, सौदा पटा तो देना, नहीं पटेगा और नहीं देना। फिर वही बात, मैं कहता हूँ मुझे ये सौदा नहीं करना। धीरे बोलो सेठ जी, धीरे बोलो, मेरे को सुनने में ठीक आता है। तुमको सौदा नहीं करने का तो रहने दियो। देखा एक दफा दाम टिक टिक बोल दियो, हम जास्ती नीचे नहीं करेगा। ओहो, किन बेवकूफों से मेरा पाला पड़ गया है। मैं कहता हूँ मुझे यह मकान नहीं बेचना, नहीं बेचना, नहीं बेचना। निकल जाओ मेरे घर से। जाता है शेठ, जाता है, अपने साथी लोग को तो आने दियो। चलो चलो आने आने, जल्दी आने। शेठ ना माथो गर्म थी गयो, अगर मकान नहीं बेचने का तो हमको काहे को रखना है खाली पेली। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर न लगे चश्मे पत्तूर। अरे क्या इस घर में कोई प्राणी नहीं रहते, भूत रहते हैं? ए, ए, चमरा। ओ जिंदा रहे पुत्रा। सुबह बहुत जरूरी काम से मैं जा रहा था और तुम खाली कमंडल लिए हुए यहाँ खड़े हो। अरे पुत्रा कैसी बातें कर रहा है तू, बाहर जा रहा था, बड़ा अच्छा कर रहा था, तेरा भी काम बन जाएगा, मेरा भी काम बन जाएगा। तुम्हारा क्या काम बन जाएगा, तुम्हें तो सिर्फ भीख की मांगना है, ये घर नहीं तो कोई और घर सही। अरे बच्चे मेरा काम तो इसी घर में होगा, भगवान तेरे बच्चों को बड़ी लंबी उम्र दे। अच्छा ये लो। अरे ये क्या? ओहो शिव शंभू, मेरा इस कागज के टुकड़े से क्या काम? और क्या चाहिए? आई विल गिव इट टू नेशनल डिफेंस फंड, मुझे तो कुछ और चाहिए। सीमा। ओहो सीमा, रुको मत, मैं बाहर जा रहा हूँ, इसे कुछ भीख दे देना। ओ बाहर जा रहे हैं पुत्रा, तेरी बढ़िया उम्र हो, हैव अ जॉली गुड टाइम। तूने मेरी झोली भर दी, मैं तेरी बच्ची की झोली भर दूंगा। वाह वाह जय हो महादेवी। वाह लीजिए महाराज। देवी ये क्या है? अन्न चाहिए ना। हरिओम हरिओम, हमें अन्न तो नहीं चाहिए देवी, अन्न छोड़े हुए तो हमें 55 ईयर्स हो गए हैं, हमें तो भिक्षा चाहिए, सिर्फ प्रेम की भिक्षा। क्या कहा पाखंडी? हमें मत मारो, हमें मत मारो, हमें मारकर अपने भविष्य को मत मारो, मुझे पहचानो, मैं हूँ तुम्हारा पर्सनल हस्बैंड मुरली मनोहर, पहचाना मुझे तुम? हाँ मैं हूँ तुम्हारा देवदास, ये लो और इसे पहनो और जोगन की जोगनिया बन जाओ, ये लो और चलो मेरे साथ। कहाँ? चाइना फ्रंट को। अरे नहीं यहाँ से चलना है रजिस्ट्रार के ऑफिस है सिविल मैरिज के लिए। हरी अब हरी अब। एक मिनट का। हेलो शंभू, शुक्र है आप लोग आ गए। नमस्ते भाभी। नमस्ते भाई, लेकिन तुम अकेले? हेलो विजय कहाँ है? क्या है विजय? विजय कमाल है ये लिबास। आप अंदर बुला रहे हैं। अच्छा आओ 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 आओ। नमस्ते नमस्ते जी। नमस्ते। कुछ आप करिए, मैं आप लोगों से बात करूंगा। ये लड़का आप शादी होने वाली है? मैं तो विवाहित हूँ। आगत आप यहाँ? आपका नाम? प्राणनाथ। आपका नाम? विजय। और आप लोग? हम लोग
विशेष के लिए मैं आपको नहीं पहचानता। जय हो महाराज जी, जय हो महाराज जी। इतनी शुभ घड़ी की बात है कि महाराज जी नजर आ गए। विजय महाराज जी से आशीर्वाद ले लो। आशीर्वाद दीजिए महाराज। दी आप आशीर्वाद दीजिए, हमें जाने को टाइम है। नजर आ रही शंभुनाथ जी। महाराज तो गलती हो गई महाराज। वो पहचान मैनू, मैं आ गया भाई गौतम। सीमा फोन ताड़ी। अरे गौतम कौन है? सीमा भी तो है। छोड़ो, ए नाथ क्यों आया थी भाई? छोड़ो ना नाथ की बात, अपना काम कर लो पहले, फिर ऑफिस जल्द हो जाएगी। अपॉइंटमेंट है। नमस्ते बाबू जी। नमस्ते। बैठिए बैठिए बैठिए, आप आ जाओ प्लीज। कम बैठिए महाराज, हम आप लोगों की क्या सेवा करें बाबू जी? सेवा तो ये करेंगे साड़ी, लेकिन बात ये है पहुंची। आप लोग फिर दोबारा आ गए? जी हम लोग इनको विटनेस के लिए आप लोग उन लोगों की विटनेस के लिए भी आए थे, इन लोगों की विटनेस के लिए भी आए हैं, क्या बात है? आप लोगों का यही धंधा है? बाबूजी मैं ही लाया हूँ इन पुअर पीपल को हम दोनों की शादी के लिए। भाई को बुला के इन लोगों को बाहर निकलवा दो। क्या ये लोग भी भंग पी का है? और तू बीच बीच ना आप उतरा मांगे ऑन टेबल। मेरा नाम है गौतम, ये है सीमा। जरा आप देखिए रजिस्टर में, मालूम हो जाएगा आपको। इतना मिल जाती मेरा नाम मिले यार। गौतम और सीमा मिले यार, नाम तो है रत्ता शुक्र है, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि आप लोग साधु संत और शादी। बाबू जी साधु क्या इंसान नहीं होते। ये है हमारा कमरा जिसे तुम्हें स्वर्ग बनाना होगा। जहाँ तुम हो वही मेरे लिए स्वर्ग। लेकिन इस स्वर्ग का एक कोना मेरे चचेरे भाई के लिए छोड़ना होगा। क्यों बेटा? क्या बेटा, तुम भी शादी करके लाए हो? जी नहीं, मैं भगा के लाया हूँ। वो तो शक्ल पर से दिखता ही है। क्या कोई और भगा के लाया है? जी हाँ, अभी अभी वो तुम्हारा पार्टनर नाथ। नाथ? हाँ। वो ऐसी, वो भी किसी लड़की को भगा के लाया है? सीमा कम ऑन लेट अस सी किसको लाया है। गेट आउट फ्रॉम माय वे। चोर चोर मौसेरे भाई। चलो वकील साहब, पुलिस में रिपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। है गौतम, कौन है वो लड़की? मैं आई हवे लोग। गौतम मैं लड़की भगा के नहीं लाया हूँ, तुम्हारे लिए भाभी लाया। आई डोंट बिलीव यू। सच कह रहा हूँ। विजय, ये विजय तुम्हारी भाभी। नमस्ते जी, मुझे माफ करना है नाथ पापा, बड़े छुपे रुस्तम निकले हो, आसमान से चांद को भगा के लाए हो। विजय ये मेरा चश्मेई चचेरा भाई, जिससे मैं हर बात छुपाया करता था, लेकिन अब इसके बारे में कुछ सोचना होगा। वो गौतम, लेकिन गौतम तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी भाभी तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ इंतजाम तो जरूर करे। शट अप, मैं कोई करने आ गया। सीमा राइट इमीडिएट। गौतम नाथ पापा जी, मीट माय वाइफ मिसेस रुस्तम जी। क्या? अरे नहीं, मिसेस गौतम जी। सीमा चक्कर भाई, जिससे मैं चचेरा छिपाया करता था। क्या रहे हैं आप? अरे नहीं। आप लोग यहाँ क्या कर रही हैं? कोई तमाशा हो रहा है? हमारे यहाँ बीवियां हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, लेकिन भाभियों का मुंह तो देखने दो। नो नॉट अलाउड, पहले हमारे लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करो और फिर नाच गाने का। विजय ये है हमारी जमुना काकी, जिनकी संगीत शाला है, इन्होंने हमें यहाँ कमरा दिया। ना ये हमें घर देती, ना हम लोग यहाँ रह पाते। ना हम लोग यहाँ रह पाते, ना हम तुमसे मिलते, ना हमारा प्यार होता, ना हमारी शादी होती। ठीक है ठीक है, मैंने तुम लोगों को घर दिया, तुम दोनों की मुरादें पूरी हुई, मैं बहुत खुश हूँ। देखो अगर इन दोनों ने कभी किसी बात में कोई भी तकलीफ दी तो सीधे मेरे पास चले आना, मैं जानती हूँ ये दोनों बहुत शरीर हैं। और अगर इन दोनों ने हमें तंग किया तो चलिया चला पकड़ के हाथ, उन्हें ले चला रे अपने साथ। चलिया चला पकड़ के हाथ, उन्हें ले चला रे अपने साथ। मैं बड़ी रे लाज से हंस खड़ी पड़ रे आज से, चली बादल के राज से। Thank you.
ये है वो तो बदमाश, लड़कियां भगा कर ले आए हैं। ये बेवकूफ चार वाले समझते हैं। मेरे पास कंप्लेंट मौजूद है, लड़कियां भगा के लाई गई। कहाँ है वो? जी, और अपने पतियों की इजाजत के बगैर बाहर नहीं जा सकते। पत्नियां? यस, दे आर अवर वाइफ्स। आज सुबह ही हम दोनों की शादी हुई है। ये रहा मेरा वारंट। वारंट? ये रहा, नहीं नहीं, मेरा मैरिज का सर्टिफिकेट। ये लो, ये लीजिए। अरे तेरा? हाँ, तेरा वाला। हैव अ लुक। आई एम सॉरी, हैव अ लुक। देखिए ठीक है कि नहीं? हाँ, इन दोनों से तो हम बात कर लेंगे, लेकिन आप जैसे गैर जिम्मेदार आदमी थाने में गलत गलत रिपोर्ट पहुंचाते हो, जानते हो इसका अंजाम क्या होगा? मैं यहाँ पर केस चला सकता हूँ। विषय यहाँ लाओ जी, चाय भगवान प्रसाद जी, जरा लड्डू खाइए। जेल जाते जाते बच गए आप, खाइए एक और लीजिए। क्या बड़बड़ा रहे हो? अब तो तुम्हें मेरी हर बात बड़बड़ाहटी लगेगी, बकवासी लगेगी, लेकिन लेकिन तुम ये बताओ, क्या ये सच है? क्या ये सच है? बिल्कुल सच। मेरी आंखों में धूल नहीं, वो लौंडिया नमक झोंक गई। अरे लेकिन मैंने तो तुम्हें नमक खिलाया था लाला, आंखों में नहीं डाला, फिर क्यों किया तुमने मुझसे ये फरेब डाला? मैंने तुमसे कोई फरेब नहीं किया, मैं तो शादी के लिए तैयार था। शादी के लिए तैयार था? अरे तो क्या मैं तुझसे शादी कर लेता? क्या बकते हो? तो बकता हूँ क्या, फरमाता हूँ लाला, बस बस अब तू मेरा माल लाला, मेरा माल लाला, माल लाला। ठाकुर, माल कहाँ से लाऊं? अभी तक रखा है क्या? तो फिर चोरी करो, डाका डालो, कुछ भी करो, मगर मुझे मेरा माल ला दो। अबे ठाकुर के बच्चे, तुझे अपने 10,000 की पड़ी है और ये नहीं सोचता कि मेरा कितना नुकसान हो गया? देखो जी, अबे तबे से बात मत करो, चुपके से मेरा माल रख दो, वरना वरना तुम पुलिस में जाओगे और बेवकूफ बनोगे। पुलिस? पुलिस में तो मैं नहीं जा सकता, ये तो मैं भी जानता हूँ लाला, लेकिन विजय के पास तो जा सकता हूँ, उसे तो अभी तक वसीयत के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। देखो ठाकुर साहब, ऐसा जुल्म ना करना, मैं अभी तक निराश नहीं हुआ, मुझे कुछ दिन की मोहलत और दे दो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा या गलत, मुझे तो मेरा माल चाहिए। देखो लाला, तुम मेरे होने वाले ससुर थे, इसलिए तुमको 15 दिन की मोहलत देता हूँ, समझे? इसके बाद मैं देख लूंगा फिर। विजय, माय बिलेवेड सीमा, तुम कितनी अच्छी हो। नाथ? कौन है? नाथ पापा, मैं क्या हो रहा है? गौतम, मैं सोचा था यार, वो हनुमान का बच्चा है ना, तो वो कमीने ने हमारी शादी के जलसे में वो पुलिस बुलवा ली थी, तो उसको बदला तो लेना चाहिए ना। मुझे एक तरकीब सूझी है, कल सुबह मैं हनुमान प्रसाद जी को लव लेटर लिखने वाला हूँ। पागल, शादी की खुशी के मारे तेरा दिमाग खराब हो गया। आ जा जा। अरे अरे, ओहो, पल्लू तो ढक लिया। हनुमान प्रसाद को प्रेम पत्र लगेगा, ए इडियट कहेगा। प्यारे हनुमान प्रसाद जी, सप्रेम नमस्ते, आपको ये पत्र पढ़कर अचम्मा तो होगा, मगर जीवन की राहें निराली है, जाने कब कोई किसी से किसी रूप में किसी बहाने से मिल जाए। मेरा परिचय इतना ही है कि भरी दुनिया में अकेली हूँ, बहुत अच्छा अकेली है, रुपए पैसे की तरफ से भगवान की दया है, ये बहुत अच्छा है, अपना कोई नहीं, समाज सेवा को ही अपने जीवन का ध्येय समझ लिया है, बहुत लोगों से आपके ऊंचे चरित्र और समाज सेवा की लगन के बारे में सुन चुकी हूँ, इसलिए आपसे मिलने आ रही हूँ, मेरा पत्र पहले मिलेगा, बाकी मिलने पर सुगंधा देवी, सुगंधा, नाम भी कितना प्यारा है। मोहब्बत जिंदाबाद जिंदाबाद, मोहब्बत जिंदाबाद, मोहब्बत जिंदाबाद, मोहब्बत जिंदाबाद, मोहब्बत जिंदाबाद। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ हाँ, आइए 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 आइए। नमस्ते जी। नमस्ते जी। हनुमान
प्रसाद जी आप ही हैं क्या? जी हाँ, इसी दास को हनुमान प्रसाद कहते हैं। आपका नाम अगरबत्ती? जी नहीं नहीं, मेरा ख्याल है सुगंधा बत्ती, नहीं सुगंधा देवी। आइए। शुक्रिया। चलिए। आप दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं? कुछ नहीं, चलिए। थैंक यू। बैठिए। क्या हो गया आपको? क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं, आप सचमुच सुगंधा है, जैसा नाम वैसा गुण, आपके नाम से सारी चाल महक उठी। छोड़िए भी, आप तो मुझे खामखा शर्मिंदा कर रहे हैं। अरे झूठ बोलने वाले पर लानत है, मैं तो सच कह रहा था। हाय हाय हाय, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं हूँ ही कौन? मैं तो एक अभागा हूँ जिसका इस कठोर दुनिया में कोई नहीं है। दुखी मत होइए सुनंदा जी, हमारे जैसे समाज सेवक क्या कम है? वो तो ठीक है हनुमान, मेरा तो घर में मन नहीं लगता, क्योंकि मैं अकेली हूँ इसलिए मैंने समाज सेवा का काम शुरू कर दिया है। समाज सेवा मेरा भी व्रत है सुनंदा, छोटा मुंह बड़ी बात, मगर मुझे ही अपना दास। हाँ, फिर वही, ये कहकर आप मुझे लज्जित ना कीजिए, क्योंकि मैं तो तुम्हारी आगे क्या, हर हिंदुस्तानी स्त्री आगे नहीं बोलती। समझ गया समझ गया। मेरे हनुमान, सच तो ये है, मैंने जब आपके बारे में सुना था मैं तो सोचती थी कि तुम कोई बड़े बूढ़े होगे, लेकिन तुम तो अरे जवानी और बुढ़ापा तो मन के मनाने की बात। क्यों नहीं क्यों नहीं, चलो अच्छा है, तुम्हारे दर्शन तो हो गए, अब काम की बातें बाद में करेंगे। बाद में करेंगे? क्यों, क्या हो गया आपको? नहीं कुछ नहीं, बात यह है कि फिर कब मिलोगी? जब तुम कहो। लेकिन बात यह है, यहाँ मेरा मन घबराता है, यहाँ नहीं। मेरा भी मन यहाँ घबराता है, और कहीं मिलेंगे, जहाँ कुदरत के नजारे हो, जहाँ तुम हो, मैं हूँ और कोई ना हो। बड़े नटखट बालक हो तुम, नटी नटी। क्या करते हो? क्यों, बुरा लगता है? बुरा क्या लगता है, मेरा रंग तो काला हो जाएगा। हाँ मेरी जान, शर्म कर। ये सुई उठाने से ये रिकॉर्ड तो बंद हो गई, मगर इस दिल में वो सुई चुभी है कि तुम्हारे प्यार का रिकॉर्ड कभी नहीं बंद होगा। हटो जी, हमें ना छेड़ो। और हाँ, अब जलती हुई आग पर तेल भी छिड़कोगी? जो भी, मैं जाती हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? सुगंधा सुगंधा, क्या हो गया? ओए ओए ओए, जैसे जानते ही नहीं। अरे कुछ कहो भी तो। आते ही तो कहा था। मगर क्या, इतनी छोटी सी बात भूल गए तो बाकी क्या याद रखोगे? मेरा सर। अरे मैं चली। हाँ हाँ, क्या हो गया? मैं खट्टे ही खाऊंगी। अच्छा जैसे आपकी मर्जी। ये तोड़ दो। अच्छा ये लो मेरी सरकार। आए हाय, कितनी अच्छी हो तुम।
सुगंधा 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 जी सुगंधा। अरे चली गई। पूरे को तो झाड़ पे लटका दिया। हम यारों से कहां बच के जाओगी मेरी जान। भाइयों भाइयों मेरी बात तो सुनो, मैं लड़की नहीं हूँ, मैं तो लड़का हूँ। ये देखो जी, इट इज ऑल राइट। अरे ऐका ऐका, आज रात्री भरकम कर चाही थी खोली नंबर 36 नौजवान मनोरंजन क्लब से उद्घाटन आहे। तर सर्व मंडळी आज रात्री आपण हजर राहण्याची कृपा करावी ही माझी विनंती आहे। अरे साथ साथ में शुक्रवाजे। अरे साथ साथ में हमारा औरता लोगों का वैरायटी कास्ट्यूम प्रोग्राम भी है, जो सबसे अच्छा पहन कर आएगा उसको हमारा भाई प्रेजेंट करेगा। क्या बात है वकील साहब? जी आप मेरे साथ आइए, सब कुछ समझाता हूँ। अरे नाथ भैया नाथ भैया, क्या हुआ ऋषि? आज के जलसे में गड़बड़ होने वाली है। हाँ हनुमान मान प्रसाद और वकील साहब आपस में कुछ थे। हाँ मत कर, अगर आज मैंने उन दोनों को नचाया नहीं तो मेरा नाम नाथ नहीं, तो फिर क्या नाम रखोगे? पोपट लाल। अब भाइयों और बहनों, आज भड़कम कर चाल के हम नौजवानों ने इस नौजवान मनोरंजन क्लब की स्थापना की है। वाह, इस क्लब का उद्देश्य है मनोरंजन। हम क्लब की तरफ से श्री झिझित राम जी से विनती करेंगे कि वो सभापति का आसन ग्रहण करें। शिक्षक राम जी जरा जोर से बोलिए। और भाइयों माफ कीजिए किशन की माँ को छोड़कर, वो मेरी धर्मपत्नी है। आज मुझे बहुत खुशी होती है कि जो आप लोगों का सेवा करने का मौका मिला और मैं अपने आप को बहुत और आज का ये नवयुवक मनोरंजन क्लब सिर्फ अपने लिए नहीं है, ये सब सबके लिए, सब नवयुवकों के लिए खुला है। खुला खुला और ये अपना जो क्लब है नवयुवक, इसका नाम ही मनोरंजन क्लब है। और क्यों ना मनोरंजन कार्यक्रम से शुरू क्यों ना करें। और आप लोगों की तरफ से, एक क्लब की तरफ से और अपने तरफ से मैं श्रीनाथ और प्रार्थना करता हूँ कि आपका मनोरंजन कार्यक्रम जो का रत्नार मतवार दसवार कजरारे नैनवा तिहारे
जादू मो पे डारे गोरी जादू मो पे डारे डारे गोरी जादू मो पे डारे ए रतनारे मतवारे रतवारे कजरारे नैनुआ तिहारे जादू मो पे डारे गोरी जादू मो पे डारे जादू मो पे डारे जब तू निकले अपने घर से जब तू निकले अपने घर से मन मोरा देखन को तरसे मन मोरा देखन को तरसे बचा नगरिया सारे नगर से मुड़ मुड़ मोहे निहारे रतनारे मतवारे रसवारे कजरारे नैनुआ तिहारे जादू मोपे डारे गोरी जादू मोपे डारे जादू मोपे डारे गोरी जादू मोपे मन हारी तन हारी रसवारी अति प्यारी मन हारी तन हारी रसवारी अति प्यारी बंसरी तिहारी बंसरी तिहारी हरी तन हरी रसवारी अति प्यारी मन हरी तन हरी रसवारी अति प्यारी बंसरी तिहारी बंसरी तिहारी मन हरी तन हरी रसवारी अति प्यारी बंसरी तिहारी जादू मोपे डारे कान जादू मोपे डारे जादू मोपे डारे कान जादू मोपे डारे ओए रतनारे मतवारे रतवारे कजरारे नैनुआ तिहारे जादू मोपे डारे गोरी जादू मोपे डारे जादू मोपे डारे गोरी जादू मोपे डारे अनजाने में आ बस गई तू अनजाने में आ बस गई तू रूप से तन मन को कस गई तू रूप से तन मन को कस गई तू नागन मन दिल को डस गई तू अब तू ही गैर उतारे रसनारे मतवारे रसवारे कजरारे नैनवा तिहारे जादू मोपे डारे गोरी जादू मोपे डारे जादू मोपे डारे गोरी जादू मोपे डारे रतनारे मतवारे रसवारे कजरारे मन हारी तन हारी रसवारी अति चारी मन हारी तन हारी रसवारी अति चारी बंसरी तिहारी बंसरी तिहारी मन हरी तन हरी रसवारी अति प्यारी मन हरी तन हरी रसवारी अति प्यारी बंसरी तिहारी बंसरी तिहारी मन हरी तन हरी रसवारी अति प्यारी बंसरी तिहारी जादू मोपे डारे कान जादू मोपे डारे जादू मोपे डारे कान जादू मोपे डारे आपका गौतम क्यों ठीक है ना चिट्ठी बिल्कुल ठीक है इसका जवाब तो आना ही चाहिए ऐसा ना हो जवाब में चाचा जी खुद चले आए सारा भांडा फूट जाएगा नाथ पापा जी वो जूते पड़ेंगे कि नानी याद आ जाएगी क्या बातें हो रही हैं कुछ नहीं गांव चिट्ठी लिख रहे हैं गांव में कौन है यस अवर रेवरेंड चाचा जी पढ़ो तो सही अरे नो 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 किसी के पत्र को नहीं पढ़ते नाथ ना चला मैं भी मुझे दाखाने जाना है विजय ये जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हैं मुझे भी ऐसे ही लगता है राम राम चौधरी साहब राम राम श्री राम राम लीजिए सरकार किसकी चिट्ठी है बच्चों की है सरकार अपने नाथ और गौतम की बंबई से आई क्या लिखते हैं सब ठीक है सरकार
मगर 1000 रुपए और मंगवाए। लिखते हैं खर्च एकदम दुगने हो गए। मुंशी जी। जी सरकार। रुपया नहीं जाएगा सरकार, हम खुद जाएंगे। जी हमें दाल में काला ही नहीं कुछ लाल लाल भी नजर आता है। सीमा, सीमा, ये चिट्ठी पढ़ो। प्राणनाथ, जब से आप गए कोई पत्र नहीं भेजा। माना पढ़ाई के लिए गए हो पर 5 मिनट इस दुखिया के लिए भी तो निकाल सकते हो। प्रीतम, जब से आप गए न दिन को चैन है न रात को नींद। मुन्ना तो आपको हर वक्त याद करता है, हर वक्त बाबा बाबा की रट लगाए रहता है। मुन्ना की साइकिल जरूर लेकर आना और गौतम भैया से कहना कि कमला का हाल भी मेरे ही जैसा है। वो तो कहती है कि ऐसे ही छोड़कर जाना था तो शादी ही क्यों की थी। आने दो, ने ऐसा सबक सिखाऊंगी कि पागल हो गई हो क्या। उन्हें तो मालूम भी नहीं होना चाहिए कि हमें पता चल गया है, वरना कोई और चाल चलेंगे। तो पुलिस में रिपोर्ट कर दे। जी हाँ, रिपोर्ट करके दही से इज्जत भी गंवानी है तो फिर आखिर क्या करना चाहिए सोचते हैं। बात यह है कि मैं खुद परेशान था, तुम मेरी परेशानी दूर कर दो, मैं तुम्हारा गिला दूर कर दूंगा। क्या कोई नया काम है? बिल्कुल मामूली सा। खून के अलावा बीजी हर काम कर सकती है, मगर इस वक्त वादे से काम नहीं चलेगा। कैश? बिल्कुल कैश, लेकिन अब कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। भरोसा नहीं है तुम पर? सीमा, आज फिर गरम गरम भजिया खिलाओ। मैं भजिया बनाना भूल गई। भूल गई? तेरी बैड मेमोरी। तो ऐसा करो कोई और चटपटी चीज खिला दो। जहाँ पहले खाते थे वहीं जाकर खाइए। तुम्हारा मतलब है ईरानी के होटल में जाके खाओ? तुम्हारी बेइज्जती का सवाल है इसमें? क्या बात है विजय? अरे हाँ, आज तो तुम मुझे शादी के बाद का आखिरी चैप्टर सुनाने वाली थी ना? अब वो चैप्टर खत्म हो चुका मिस्टर नाथ। लेकिन अपने नाथ के लिए दोबारा ही सही। हाँ, ये रहे नाथ बाबू। बेटा नाथ, लो संभालो अपने घर वाले को। अरे अरे, याद क्या कर रही है? आप मुझे भूल गए तो भूल गए, लेकिन इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा था आपका? बच्चा किसका? आपका। मेरा? हमारा अभी तो कोई बच्चा नहीं हुआ। बात क्या है, आप लोग कौन है? मैं बताती हूँ नाथ साहब, मैं इन्हीं का इंतजार कर रही थी। मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने धोखेबाज निकलेंगे। एक बीवी के होते हुए आपने मुझसे प्रेम का खेल खेला, मुझसे शादी की, मेरी जिंदगी बर्बाद की। तुम्हें हो क्या गया है? इसमें जरूर कोई चाल है। चालबाज मत बात करो मुझसे। बहन, ये अब तुम्हारे ही घर है, मैं जाती हूँ, भगवान ही नहीं समझेगा। विजय, विजय सुनो तो सही। विजय कहाँ है हमारे साधु महाराज गौतम जी? गौतम उस कमरे में, क्या माजरा है? क्या नाथ के यहाँ बालक हुआ है? अभी सब मालूम हो जाएगा। सारी दुनिया ढूंढ मारी और तुम यहाँ बैठी हो, ये कौन है? मैं पूछता हूँ आप कौन है? ओए होए होए, पूछता है आप कौन है? 4 साल तक प्रेम का नाटक किया, 7 फेरों के बाद घर में बहू बना कर लेके अब पूछता है तुम कौन हो? क्यूरी, तू इसकी बीवी है? यस, शी इज माय वाइफ। चुप, देख रे, निकल जा मेरे रास्ते से, नहीं तो नाक कटवा दूंगी, मुंह पे तेजाब फेंकवा दूंगी। हाँ, जानती नहीं कल्लन दादा की बेटी कमला हो? जाती हूँ, लेकिन गौतम साहब, जो खेल आपने मुझसे खेला है उसके लिए भगवान आपको देखेगा। सीमा, मेरी बात तो सुनो। छोड़ो मुझे, क्या सुनो? भाई भाई, कांता, ऊपर क्या शोर हो रहा था? अरे कम वक्त एक बीवी गाँव में भी छोड़ाया था। अच्छा, लो बन गया काम, निकालो काम। शाबाश, चलो घर चल कर दे। घर में नहीं, यही, जानती नहीं कल्लन दादा की बेटी कमला। अरे देर करोगी तो पुलिस आ जाएगी। चलो चलो यहाँ से निकलो। चलो, अब यकीन आया कि नहीं तुम लोग? तुम लोग समझते थे कि हनुमान प्रसाद कथा? नहीं नहीं नहीं, हनुमान प्रसाद सूरज देख कर भाप लेता है।
वो दोनों लड़के ऐसे नहीं हैं। शंभू और शारदा भी यहाँ नहीं है, नहीं तो मैं उन्हीं से पूछ लेती। देखो मेरा कहा मानो, मैं चैरिटी शो कर रही हूँ, तुम दोनों मिलकर मेरा हाथ बटाओ, दिल भी बहल जाएगा और उनके आने के बाद अकेले का पता भी चल जाएगा। आ मेरे साथ आओ। लड्डू खाने का दिन तो आज है बेटा, लो लड्डू खा लो। खाओ खाओ खाओ। मैं कहता हूँ ये जरूर किसी दुश्मन की चाल थी, किसकी हो सकती है? तकदीर की, और किसकी? तकदीर जो खुशी देकर छीन लेती है तो यही हाल होता है, जिंदगी एक अजीब सी कहानी बन जाती है। कहाँ से शुरू हुई और कहाँ खत्म हो गई? पापी ही न बोल, पाँव पड़ूं मैं
शब्द ही नहीं है कहने के लिए, बस यूं समझ लो कि मन भर गया है मेरा खुशी से। आज मैं फक्र से कह सकती हूं कि विजया मेरी तलाश है। बस दो चार शो ऐसे और हो जाए तो तुम पूरे बंबई पर राज करोगी, लाखों में खेलोगी। बस करो दीदी, बस करो, और मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। मैं ये सब खुशी लेकर क्या करूंगी, मेरा दिल तो मेरी बच्ची। मैं सब सुन चुका हूँ। मर गए चाचा जी, पिता जी। आ, आ गए। ये छोकरा रख उतर और ये ले पैसे। पिताजी प्रणाम। पिताजी ओ खुश रहो बेटा, खुश रहो। पहले पहला चाचा जी। राजी रहे भतीजे, राजी रहे। आप यहाँ कैसे आए आप? और मैंने सोचा कि रुपए भेजने हैं, चलो बरखुरदारों से ही मिलाऊं। बड़ा सा कितना? ए दीवार का वास्ते। ओ चाचा जी, ए लकड़ी देगी टूट जाएगी। इधर कौन रहता है? इधर मैं रहता हूँ। और उधर कौन रहता है? उससे जी थोड़ा बरखुरदार भतीजा। तुम रहते हो? हाँ जी। ये क्या है? ये कुछ नहीं है पिताजी, हमारा यूनियन का झंडा है हमारा। अच्छा अच्छा, और ये चूड़िया कैसी है भैया? मैं मर गया, शारदा भाभी इतनी छड़ गई। ओ शारदा भाभी। अरे शारदा भाभी क्या? शंभुनाथ जी की भी। शंभुनाथ जी की? हाँ हाँ, मुझे कुछ दाल में काला नजर आता है। नहीं, आज तक मैं जो पैसे भेजता रहा हूँ उसका हिसाब कहाँ है? हिसाब है मेरे पास है। लाओ दिखाओ। बात ये चाचा जी, हिसाब गले है कि हिसाब मैं लिखे अंग्रेजी में, तुम्हें अंग्रेजी आती नहीं? मैं की ओ अंग्रेजी दे पुत्र, पढ़ के सुना, ले गया हिसाब। चल गुड नाइट। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरा नाम हनुमान प्रसाद, मैं इस चाल का सेक्रेटरी हूँ। मैं नाथ का पिता हूँ। नाथ के पिता? ओ वेरी ग्लैड टू मीट यू। अच्छा हो आप आ गए, मैं आपको खत लिखने वाला ही था। किस बारे में? इस ये नाथ और गौतम के बारे में। क्या क्या क्या? क्या क्या? एक बात हो तो बताऊं। बोल, बहुत सी बात। कहो भांजी के मामा, क्या खबर है? तुम अब क्या लेने आई हो? ओहो इतनी बेरुखी। मैं पूछता हूँ क्या लेने आई हो? अपना इनाम। मगर मैंने तुम्हारी फीस तो काम से पहले दे दी थी। ठीक है, काम से पहले फीस और काम के बाद इनाम। तो तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहती हो? शर्म नहीं आती? आती है, पर अपने किए पर नहीं। तुम जो धर्म का काम कर रहे हो उसके लिए। मगर मैंने बुरा भी क्या किया? विजय मेरी बच्ची है, अगर वो एक गलत जगह फंस चुकी थी तो उसे वहां से निकालना मेरा फर्ज था। क्या फर्ज निभाया है? वाह बच्ची, जो शादी के बाद इस सारी जायदाद की मालिक बन चुकी है। बच्ची जिसके राज तुमने आज तक नहीं बताया। बच्ची जिसकी दौलत हड़प करने के लालच में तुमने उसका संसार उजाड़ दिया। बिजली, तुम चुप भी रहोगी या नहीं? बिजली तो चुप रह सकती है, मगर इस जबान कमबख्त को ताला चाहिए, और वो 5,000 रुपए में मिलता है। बिजली, इस तरह चिल्लाने से दिल का दौरा पड़ जाता है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो
तो उस बेचारे बच्चे का क्या होगा? देखो बेटी, तुम इस वक्त यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारा इनाम दूंगा और जरूर दूंगा, लेकिन इस वक्त मेरे हाथ में कुछ नहीं। बिजली इंतजार कर सकती है, मगर याद रखो तुम बिजली की रफ्तार को भी जानते हो और कड़क को भी। तो ये थी नाथ की पहली बेटी और ये है उसके किसान पिता। विजय तुम समझी नहीं। और मकान जमीन जायदाद रूपों की मालिक मैं हूँ, है ना? हाँ हाँ, मगर अगर मगर कुछ नहीं, आप इसी वक्त मेरे मकान से निकल जाइए, जिस हालत में उसी हालत में जाइए। वाकई तुम मामों की भांजी। विजय तुम इस जायदाद की मालिक जरूर हो, लेकिन ज्यादा देर ना रहोगी। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम अपने हाथों से ये जायदाद मेरे नाम लिखोगी। हरगिज नहीं, मैं मर जाऊं तो भी नहीं। सोच लो, मैं जब किसी बात का फैसला कर लेता हूँ तो उसे पूरा करता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे किसी की जान भी क्यों ना लेनी। नहीं नहीं नहीं, चलो मेरे साथ और चल के दस्तक कर दो। मैं कहता हूँ चलो मेरे साथ। हेलो शंकर, चार छह आदमी लेकर फौरन पहुंच जाओ। हाँ हाँ, घर से बोल रहा हूँ, शायद सख्ती बरतना पड़े मुझे, जल्दी। हनुमान प्रसाद जी ने मुझे सब हाल बता दिया। हनुमान प्रसाद जी, हाँ जी, आप इन बदमाशों के सामने इनका कच्चा चिट्ठा खोल दो। अब इन बदमाशों के सामने और क्यों बुलवाते हो? इनके बारे में जो कुछ कहना था मैंने आपको कह दिया है। जब से ये लोग हमारी चाल में आए हैं तब से इस चाल की इज्जत मिट्टी में मिल गई है। सीधे खड़े रहो, न जाने कहां से आवारा लड़कियों को भगा के लेके आए। डोंट फॉरगेट, शादी करके। चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। पिताजी, हनुमान प्रसाद जी सब कुछ कह दिया, अब मैं भी हनुमान प्रसाद जी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो। पूछो पूछो पूछो, मैं तुम्हारे से डरने वाला नहीं हूँ। हम ये जानते हैं हनुमान प्रसाद जी, हम ये बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं। भगवान को हाजिर नाजिर जानते हो, ये कहिए आप जो भी कुछ कहेंगे सच कहेंगे। हाँ मैं सच कहूंगा। क्या आपके पास कोई सबूत है कि हमने आपकी चाल के मान मर्यादा में कुछ नुकसान पहुंचाया? नहीं बिल्कुल नहीं, हमें सब चाल वाले पसंद करते हैं सिवाय आपको छोड़ के। हाँ ये सच है चौधरी साहब, सब चाल वाले इन बच्चों को नेक समझते हैं। सिर्फ हमारी आपसे कुछ तनातनी हो गई थी और इसी कारण आपने पिताजी से जाकर झूठी शिकायतें की। जी हाँ ये सच है। और ये भी सच है? सब कुछ सच है, सब कुछ सच है चौधरी साहब, मैं आपसे और आपके बच्चों से माफी मांगता हूँ। लेकिन ये तो ठीक है ना कि इन्होंने बिना बताए शादी की? शादी क्यों की? शादी क्यों की? चौधरी साहब ये तो आजकल का फैशन है, मेरे ख्याल से हम लोगों को इन बच्चों को अपना जीवन साथी ढूंढने का मौका देना चाहिए। अब सब उल्टा बोलने लगे, ग्रामाफोन में चाबी उल्टी लग गई है मालूम होता है। लड़कियां क्यों भाग गई हनुमान? लड़कियां क्यों भाग गई, अब ये मैं कैसे बता सकता हूँ? ये वो यानी ये लोग मैं बता सकते। कहता हूँ कि तुम जाओ और लड़कियों को दिखाओ मुझे कि वो शरीफ खानदान की है या आवारा। पिताजी वो बिल्कुल शरीफ खानदान की, बहुत ऊंचा खानदान है चाचा जी। तुम बीच में जरूर बोलोगे, मैं कहता हूँ कि मैं लड़कियां देखना चाहता हूँ। लेकिन पिताजी आप बात तो सुनिए, मैं आपसे ये कहना चाहता रहा हूँ कि लड़कियां मुझे दिखाओ नहीं मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। लेकिन पिताजी मैं आपसे जाओ। तू कहा चला, कपड़े बदल कर जा। इसी तरह कोई डांटने वाला चाहिए था यहाँ। हनुमान तुम कभी इधर बोलते हो कभी उधर बोलते हो, क्या तमाशा? इस बात में गलती हो गई मेरी, क्या? प्रणाम चाचा जी। प्रणाम, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं अभी आदमी भेजने वाला था। मैं गांव से ही चला आ रहा हूँ, सुना है कि बहुएं आ रही हैं। हाँ आ रही है, बहुएं आ रही है। अबे कोई है? क्या लेने आए हो तुम यहाँ? मैं अपनी वाइफ को लेने आया हूँ। वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। ये लफ्ज मैं उसकी जबान से सुनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम हर लवली टंग। नो, नहीं तुम उससे नहीं मिल सकते।
मुझे रोकने वाला पैदा नहीं हुआ। ए, ए, मालूम होता है तुम पहले दिन की मार भूल गए। ये याद दिलाकर तुमने भी अच्छा नहीं किया, मेरा खून उबाल दिया है। लिपस्टिक मल चश्मा। बरखुरदार, मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता, मगर मैं स्पोर्ट्समैन हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। आज तुम्हारे घूंसे में सच्चाई की ताकत मालूम होती है। पहले दिन मैं एक डरपोक लवर था जो चोरी चोरी तुम्हारी बिटिया से मिलने आया था, और आज मैं एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग पति देव हूं जो अपनी वाइफ और इज्जत के लिए लड़ने आया है। अंदर है सीमा। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। क्या कहना चाहते हैं? मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, तुम मेरे साथ चलो ना, गांव जी चाचा से आए हैं। अरे क्या बोल गया मैं, चाचा जी गांव से आए हैं, अगर उनसे मिलने के बाद भी तुम्हारा शक दूर ना हो तो तुम बेशक वापस चले आना। घुस रहे तो घर वालों से पूछते हो तुम कौन हो? जाता है नहीं। अरे ये अपने जवाई बाबू है, आओ बेटा। लेकिन ये सब इनका कोई कसूर नहीं, ये तुम्हें पहचानते नहीं। मैं रखें, आओ बेटा। बहुत अच्छा किया तुम चले आए, विजय चली तो आई थी मगर तुम्हारे बिना एक पल नहीं उसे। मगर वो तो खामखा। सब ठीक हो जाएगा, एक बार विजय को चल के देख लोगे तो सब समझ में आ जाएगा। आओ आओ बेटे आओ। नाथ। विजय देखो क्या हालत है विजय, मगर जिद्दी है। मैं कहता हूं जायदाद के कागजात पर दस्तखत कर दो और अपने पति के साथ जाकर चैन की जिंदगी बसर करो, मगर यह है कि मरने को तैयार। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। कागजात? कैसे कागजात? माफ कीजिएगा, मैं शायद घर भूल के आ गई। हमारे पास तो कोई भूल के ही आता है, वैसे हमारे हाथ में कोई लकीर नहीं। ज्यादा समझने की कोशिश ना करो बरखुरदार, अगर अपनी बीवी को खैरियत से लेकर इस मकान से बाहर जाना चाहते हो तो विजय को कह दो कि दस्तखत कर दे, वरना किसी को तड़प तड़प कर मरते हुए देखना मेरे लिए कोई नई बात नहीं। कमीने, चलिए। चाचा जी मैं आई कमीन, ये है आपकी बहू, आओ पाँव पड़ो। जीती रहो बेटा जीती रहो, नाथ अभी तक नहीं आया। नाथ? इसके कंधे पे रखो। चाचा जी अभी अभी शारदा का टेलीफोन आया था, नाथ और विजय की जान खतरे में है, आप जल्दी मेरे साथ चलिए। चलो 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 भाई चलो। मुझे जो जो गुस्सा आता है मेरा निशाना गलत होता जाता है, चाकू कभी भी एक आध इंच इधर उधर हो सकता है विजय, सोच लो। मगर तुम्हें क्या, मरता है तो मर जाए। ये लो इसके गले पे रख दो। नहीं 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 विजय, वो जाने दो मेरा खून, खबरदार जो दस्तखत किया है। ये बात है, रखो। मामा नहीं नहीं रुक जाओ मामा, मैं दस्तखत कर देती हूँ। क्या हो? आ गई अकल ठिकाने? नहीं नहीं विजय, तुम्हें मेरी कसम, भगवान के लिए कसम वापस ले, मैं इसे ऐसे हजार जायदादें भी हूँ तो तुम पर कुर्बान कर सकती हूँ। कौन गया सभी? Yeah.
नेवर माइंड। अरे बेटा ये क्या किया तूने? अकेला वापस आता तो आप जो गर्दन तोड़ देते, सोचा यहाँ ही गर्दन तोड़वा लूँ। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। खत्म हुआ आपका कारोबार, उठिए। हम आपके ही पास आ रहे थे। बंदी किए अदा दिल में यूं बसी, फिर जरूर हम यहाँ आएंगे कभी। बेकरार आज तो चले चले